हेलो एवरीवन अ वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24 7 एग्रीकल्चर hmm. अड्डा 24 7 पर आप सभी लोगों का स्वागत है तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं एफ सी टेक्निकल का एक नया पोर्शन बहुत दिन हो गया हम लोगों ने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ठीक है इंडियन एग्रीकल्चर के स्टैटिक्स क्या है इसमें आपको दो चीजें पढ़नी है एक है आपका सीरियल्स और दूसरा है आपका पल्सेस ओके तो आज हम लोग सीरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और सेशन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि कल होने वाला है आपका गिव अवे एक लाख सब्सक्राइबर्स का तो जुड़ना ना भूलिएगा एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के साथ कितने बजे यहां पर ग्यारह बजे सुबह ग्यारह बजे आपको जुड़ना है ओके चलिए सो so आगे बढ़ते हैं सेशन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज गो हेड एंड सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अंडर ट्वेंटी फोर सेवन और, तो और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और सेशन अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर तो बनता है एंड नाबार्ड का बैच आ गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं तो आप लोग भी अगर नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आपको करना चाहिए अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर sure कि आपने भी नाबार्ड के बैच में एनरोल किया है एनरोल करते वक्त वाई टू नाइन वन कोड का यूज करना बिल्कुल ना भूलें और एनरोल एप्लीकेशन से ही करें साथ ही साथ गई यहाँ पर एग्रीकल्चर महापैक है जिसमें आपको एक साल के लिए सारे बैचेस मिलते हैं चाहे वो एफ हो या आई बी पी एस एफ हो या नाबार्ड हो या फिर आपका एफ एस हो और साथ ही साथ इसमें सारे टेस्ट सीरीज और ई e बुक भी आपको मिलते हैं ओके okay? सो so, इसमें एनरोल करने के लिए भी आपको एप्लीकेशन पे जाना है वाई टू नाइन वन का कोड यूज करना है और फिर यहां पर आपको सेवन थ्री फाइव नाइन की जगह पे सेवन जीरो थ्री जीरो पे ये बैच मिल जाएगा ओके वेरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी वन चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट हम लोग अपना सेशन सो सबसे पहला सो so आज के सारे क्वेश्चन राइस में से हैं ठीक है चावल के क्रॉप में से ऑप्टिमम सॉइल पीएच रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग ऑफ राइस राइस को ग्रो करने के लिए जो आपका ऑप्टिमम सॉयल पीएच है वो कितना होना चाहिए पांच से छह सात से आठ छह से सात तीन से चार या चार से छ So, देखिए हर एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए खेती करने के लिए हमें सॉइल का सही पीएच चाहिए होता है यहाँ पर राइस का जो पीएच है वो यहाँ पे चार से छ होना चाहिए कितना होना चाहिए चार से छ मतलब राइस जो है स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में ग्रो कर सकता है ठीक है सॉइल पीएच आपको छ चार से छ या फिर पांच से साढ़े के बीच में चाहिए सॉयल ऑर्गेनिक मैटर दो से साढ़े तीन परसेंट अवेलेबल नाइट्रोजन ग्रेटर एक्सट्रैक्टेबल फास्फोरस ग्रेटर देन टेन पीपीएम और एक्सट्रैक्टेबल पोटेशियम ग्रेटर देन होना चाहिए ठीक है और आपका जो सुइटेबल सॉइल होता है वो जनरली फोर टू सिक्स के बीच में रेंज करता है ओके नंबर टू खायरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू अच्छा राइस में ना एक नाम का डिजीज होता है और ये ना एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है अब देखो डिसऑर्डर या डिजीज दो टाइप के होते हैं एक है पैथोलॉजिकल एक है फिजियोलॉजिकल ओके वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम टू देशन सो जो आपका फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है वो किसी तरह के की डिफिशियंसी की वजह से होता है और पैथोलॉजिकल कोई भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है ओके सो खायरा डिजीज एक फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है और ये किसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है या फिर किस चीज के कमी के वजह से चावल में देखने को मिलता है आयरन बोरोन पोटैश फॉस्फोरस जिंक या मैग्नीशियम कम ऑन आंसर गाइस इजी है यस खायरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू द क्या चीज के जिंक के डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है जो आपका खायरा डिजीज है राइस का ये एक माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिय है जो की जनरली आपका क्या होता है डस्टी ब्राउन पैचेस के रूप में हमें देखने को मिलता है ओके Now, uh, इसके ये जनरली आपका जो जिंक का जब डेफिशिएंसी होता है चावल में तब देखने को मिलता है इसके लिए इसको सही करने के लिए हम जिंक सल्फेट का एप्लीकेशन कर सकते हैं नंबर थ्री जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर डॉनेस इन राइस कौन सा जीन है जो राइस में डॉक्नेस के लिए रेस्पॉन्सिबल uh, है ठीक है डीजीजन एन टेन टेट और आइजिन टेन या एस टेन बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है कम ऑन आंसर वेरी गुड ओके सो द राइट आंसर इज यहां पर डी जी उजेन सो डी जी एक जीन है जो राइस में के लिए डॉफेबल है में, ठीक है? So देखो, है देखो बेसिकली एक और उसमें से एक आ, जीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो है एस डी वन राइस के केस में नोरिन टेन से आर एच टी वन और आर एच टी टू जीन को एक्सट्रैक्ट किया गया था सॉरी व्हीट के केस में नॉरिंटेन में

ट्वेंटी फाइव टू hectare. ठीक है 25 से 30 square meter area generally enough होता है कोई भी सीडलिंग को डेपोग मेथड में प्लांट करने के लिए विच वाइटामिन बायलिंग ऑफ राइस राइस के पारबॉइलिंग से मतलब राइस को ना ऐसा आधा अधूरा boil किया जाता है जब वो पैडी कंडीशन में होता है ठीक है तो उसमें कौन सा विटामिन कंजर्व होता है इसको जनरली उड़ीसा छत्तीस पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ बंगाल में उस्ना चावल कहते हैं बिहार में भी कहते हैं और यूपी बिहार में कुछ जगह पे इसको भूजा हुआ चावल कहते हैं सो विटामिन सी विटामिन डी विटामिन बी ट्वेल्व वाइटामिन ई एंड विटामिन बी आंसर विच विटामिन इज कंजर्व बाय द पारब्इलिंग ऑफ राइस राइस के पारब्इलिंग से कौन सा विटामिन जनरली कंजर्व होता है क्या होगा इसका सही आंसर come on guys बहुत ही इजी है सो so, राइस के पारबॉइलिंग से जो विटामिन कंजर्व होता है वो है विटामिन बी क्या है विटामिन बी ट्वेल्व ओके सो विटामिन बी ट्वेल्व आल्सो नोन एज कोबालामिन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ठीक है क्योंकि जब नॉर्मल राइस में पॉलिशिंग होता है ना तो ये हट जाता है लेकिन पारबॉइलिंग राइस में ये कंजर्व हो जाता है ओके okay? आपको ये मिल्क फिश ऑयस्टर नट्स एग्स इन मीट चीज इन सारी चीजों में मिलेगा हाइएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस फील्ड इज ठीक है? राइस फील्ड में हाइएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस किस प्रोसेस से होता है लीचिंग रन ऑफ परकोलेशन एमोनिफिकेशन या डी नाइट्रिफिकेशन हाइएस्ट एन लॉसेस इन राइस फील्ड इज बाय डैश लीचिंग रन ऑफ परकोलेशन एमोनिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन देखो एन लॉसेस मतलब नाइट्रोजन का लॉसेस नाइट्रोजन लॉसेस होने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन जो राइस फील्ड है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लॉसेस डी नाइट्रिफिकेशन होता है जो आपका एनओ थ्री होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है मैं आपको थोड़ा सा इसका मेके बता देता हूं अब पानी के नीचे जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो जो भी सराउंडिंग की चीजें हैं ना वो ऑक्सीजन के लिए भूखी होती है तो जब नाइट्रो नाइट्रेट आप डालते हो चावल के चावल में चावल के मतलब चावल के पौधे में तो होता क्या है उसमें होता है NO3. तो है, हो है, है तो N जो ऑक्सीजन ना हवा में उड़ जाता है ठीक है तो इसी तरह से हमारा क्या होता है नाइट्रोजन लॉसेस देखने को मिलता है ओके सो डी इज एन एल्केटिव प्रोड्यूसिंग प्रोसेस द बायोलॉजिकल रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस बाय

ठीक है सो हाइड्रोजन सल्फाइड के टॉक्सिसिटी की वजह से Acheochi नाम का एक डिजीज देखने को मिलता है कौन सा Acheochi नाम का डिजीज डिजीज ऑफ राइस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी कॉजेस ब्लैक क्राउन एंड रूट रॉट जो जड़े होती है ना राइस की वो कुछ ऐसे हो जाती है ठीक है सड़ जाती है नंबर एट किलर डिजीज ऑफ राइस राइस का किलर डिजीज किसे कहा जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट टूंगो वायरस ग्रैम लिफ ऑपर बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द क्या होगा सही आंसर किलर डिजीज ऑफ राइस आंसर गाइस राइस so, के किलर डिजीज की अगर बात करेंगे द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी बैक्टीरियल ब्लाइट और टुंगो टुंगो वायरस टूंगो वायरस इनफैक्ट ठीक है ये दोनों ही यहाँ पे राइस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है राइस बैक्टीरियल ब्लाइट जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस भी कहते हैं ये एक डेडली बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज अमॉग द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एफ्लिक्शन ऑफ कल्टिवेटेड राइस राइस डिजीज़ इज़ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायरसेस विच आर ट्रांसमिटेड बाय लीफ ऑपर्स, क्योंकि वायरस खुद से तो ट्रांसमिट हो नहीं सकते हैं उनको एजेंट चाहिए तो यहाँ पे लीफ ऑपर एक इंसेक्ट है जो इस वायरस को ट्रांसफर करता है इट कॉजेस लीफ डिस्कलरेशन स्टंटेड ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ मतलब

व्हाइट आई डिजीज ऑफ राइस ये भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है आंसर कम ऑन वाइट आई ऑफ राइस अब अगर मैं व्हाइट राइस की बात करूंगा तो इस ये जनरली आयरन आयरन की वजह से होता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आई डिजीज देखने को मिलता है आयरन सॉरी टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी आयरन लीड्स टू इंक्रीज पॉलिफेनॉल ऑक्सीडेस्ट एक्टिविटी ठीक है इसमें छोटे 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 व्हाइट कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं राइस ट्रांसपेरेंट होने की जगह पे व्हाइट व्हाइट कलर के उसके अंदर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं फ्रूट ऑफ राइस इज कॉल्ड ठीक है राइस के फ्रूट को क्या कहा जाता है अकीन ग्रेन कैरियोप्सिस ह्यूम या सीरियल फ्रूट ऑफ राइस इज कॉल्ड आंसर राइस के फ्रूट की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं राइस राइस, नहीं, व्हीट, मेज किसी को भी अगर आप उठा लोगे कोई भी सीरियल को सीरियल का जो ग्रेन या फ्रूट होता है ना उसको हम कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं ठीक है कुछ ऐसा दिखता है ओके कैरी सो वाइल राइस इज टेक्निकली डिराइड फ्रॉम द ओवरी ऑफ ए फ्लावर इट इज एट ऑल स्वीट और जूसी ठीक है है तो ये एक फ्रूट लेकिन ये दूसरे फ्रूट की तरह स्वीट या जूसी नहीं होता है ना ऑन टू द इंडिया एट डैश ठीक है इंडिया में पहली बार श्री कौन से स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था श्री एक टेक्निक है राइस कल्टीवेशन का जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पंजाब तमिलनाडु हरियाणा वेस्ट बंगाल ये हरियाणा ही है दो बार हो गया है आंसर कम ऑन गाइस क्या होगा सही आंसर इसका हूँ 3 is introduced for first time in Tamil Nadu. Tamil Nadu may introduce kia tha Sri ko. The system of rice intensification known as Sri can reduce water requirement, increase the land productivity and promote less reliance on artificial fertilizers, pesticides, herbicides and other agrochemicals. Okay. नंबर जगन्नाथ इज द म्यूटेंट वेराइटी ऑफ डैश ठीक है जगन्नाथ राइस का एक वेराइटी है जिसको हम एक म्यूटेंट वेराइटी कहते हैं जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं ठीक है या तो किए जाते हैं या फिर उसमें जनरली एनवायरमेंट या अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस हो जाते हैं तो एक वेरा कौन सा वेराइटी है जिसमें से जगन्नाथ को म्यूटेंट बनाया गया था इजी है कमॉन गाइस जगन्नाथ टी है जगन्नाथ ये ठीक है, है बहुत लंबा नहीं है बहुत छोटा नहीं है स्ट्रॉन्गली फोटोसेंसिटिव है मतलब बहुत ज्यादा लाइट में भी प्रॉब्लम होता है हाई सीड डोरमसी है ओके जो सीड की डोरमेंसी होती है वो बहुत हाई है मतलब थोड़ा टाइम चाहिए सीड को जर्मिनेट होने में डेज टू फिफ्टी परसेंट फ्लावरिंग वन ट्वेंटी डेज मतलब एक सौ बीस दिन लगते हैं फ्लावरिंग होने के लिए और लगभग लगभग दो सौ चालीस ढाई सौ दिन लगते हैं प्लांट को कंप्लीट होने के लिए ठीक है मतलब ऑलमोस्ट ये पांच से साढ़े पांच महीने का क्रॉप है प्लांट का जो हाइट है वो नब्बे से लेके एक सौ दस सेंटीमीटर का है ओके नेक्स्ट हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस हलिंग परसेंटेज मतलब जब आप पैडी लेके जाते हो मील में तो आपको कितना राइस वापस मिलता है हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस उसका हस्क वस्क हटा के आपको कितना राइस टोटल वापस मिलता है क्या होगा गाइस कमॉन सो हल्लिंग परसेंटेज राइस की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से ए इज द राइट आंसर क्यों बोल रहा हूं यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं देखो जनरली हल्लिंग परसेंटेज ना या तो वन थर्ड होता है या फिर सत्तर प्रतिशत होता है ठीक है तो अगर सेवेंटी परसेंट के आसपास में देखो हाँ अगर ऑप्शन में कुछ नहीं है तो सिक्सटी सिक्सटी फाइव आप लगा सकते हो ओके राइस हल्स ये जो हस्क है ना इसको हटा दिया जाता है बाहरी जो ब्रांड का लेयर है वो हटा दिया जाता है और उसको हम कहते हैं हलिंग रा, हल्ड राइस ओके टेस्ट वेट वेट ऑफ बासमती राइस ठीक है बासमती राइस का जो टेस्ट वेट है वो कितना है 24 ग्राम्स 26 ग्राम्स 22 ग्राम्स 21 ग्राम्स या 28 ग्राम्स टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस अच्छा टेस्ट वेट है क्या देखो जनरली क्या होता है राइस एक छोटा सीड है ठीक है तो इसके हजार सीड लेते हैं और हजार सीड को वेट लेते हैं इसको हम कहते हैं टेस्ट वेट अगर मेज जैसा बड़ा सीड होता तो इसका क्या करते हैं हम सौ सीड लेते और सौ सीड का वेट लेते हैं इसको हम कहते हैं वही टेस्ट वेट इसको एक्चुअली कहते हैं इंडेक्स वेट या सीड इंडेक्स ओके और लेकिन जनरली लिखते वक्त हम टेस्ट वेट भी लिखते हैं ठीक है क्या हो गया इसका आंसर बासमती राइस का जो टेस्ट वेट है वो है एक, एक सेकेंड ये गलत है ओके okay, 28 ग्राम ने अच्छा डी लिखा है क्या सॉरी <laughs> मैंने सोचा कि यार ये गलत कैसे लिख दिया मैंने डी 21 ग्राम इज इज द राइट आंसर ओके सो टेस्ट वेट एन इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ मिलिंग फॉर राइस एंड फ्लोर एक्सट्रैक्शन फॉर व्हीट ठीक है और जनरली आपका राइस का जो टेस्ट वेट है वो पच्चीस ग्राम के आसपास होता है बासमती राइस थोड़ा हल्का होता है खाने में अच्छा लगता है इक्कीस ग्राम का होता है मतलब हजार बासमती राइस का अगर हजार बासमती राइस चावल लोगे तो उसका जो वेट है वो इक्कीस ग्राम आएगा टाइम ऑफ बोरो राइस ठीक है देखो राइस ना तीन टाइप के हैं अमन बोरो किस टाइम पे आप हिसाब से एक्चुअली किस टाइम पे हार्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से होता है ठीक है तो बोरो राइस का सोइंग टाइम क्या है बोरो राइस का सोइंग टाइम क्या है नवंबर टू डिसंबर डिसंबर टू जनवरी अक्टूबर जुलाई टू अगस्त या नन ऑफ क्या होगा बहुत ही सिंपल है राइस अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहाँ दिसंबर टू जनवरी मतलब ठंड के टाइम पे जनरली बोरो राइस का सोइंग किया जाता है बोरो इज विंटर सीजन फोटो इनसेंसिटिव मतलब लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना है कितना नहीं है ट्रांसप्लांटेड राइस है कल्टिवेटेड ऑन सप्लीमेंटल इरीगेशन क्योंकि इतनी बारिश तो होगी नहीं ठंड में नेक्स्ट इन विच राइस लॉजिंग डज नॉट ऑकर कौन से राइस में लॉजिंग नहीं होता है अब आप बोलोगे कि लॉजिंग क्या है हवा की वजह से जब प्लांट गिर जाता है हम उसको लॉजिंग कहते हैं इंडिका जैपोनिका जवानिका ऑल ऑफ द अब नन ऑफ दिस ये अलग अलग स्पीशीज है यहाँ पे मतलब स्पीशीज तो मैं नहीं कहूंगा स्पीशीज तो सेम ही है ठीक है अलग अलग ऑरिजिन के हिसाब से इसके इनके टाइप है इंडिका जपोनिका जवानिका द राइट right आंसर इज बी जपोनिका का जो राइस है ना उसमें लॉजिंग नहीं होता है पोनिका राइस जिसको हम स्टिकी राइस भी कहते हैं क्योंकि ये ना बहुत ही चिपके, चिपके मतलब चिपक जाते हैं एक दूसरे से और कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस बाय चेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ डैश ठीक है श्री कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं राइस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं कैसे ठीक है बाई चेंजिंग मैनेजमेंट ऑफ प्लांट सॉइल वाटर एंड न्यूट्री एट ओनली बी एंड सी या ऑल ऑफ दिस किसके मैनेजमेंट को चेंज करने की वजह से स्त्री का जो प्रोडक्टिविटी है राइस प्रोडक्टिविटी वो इनक्रीज होता है बहुत ही सिंपल है यहां पर अगर मैं बताऊं द आंसर इज ऑल ऑफ दिस होगा ऑल ऑफ दिसम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज अ फार्मिंग मेथोडोलॉजी एमड एट इंक्रीजिंग दिल्ड ऑफ राइस प्रोड्यूसड इन फार्मिंग ठीक है इट इज द लो वाटर लेबर इंटेंसिव मेथड दैट यूजेस यंगर सीडलिंग्स सीडलिंग एंड टिपिकली हैंड हैंडविडेड विथ स्पेशल टूल्स ठीक है तो ये जो राइस इंटेंसिफिकेशन है ये एक फार्मिंग मेथोडोलॉजी है जहां पर आपका राइस का ईल्ड को इंक्रीज किया जाता है बाय मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेस ठीक है सोइंग टाइम ऑफ अमन राइस अमन मैंने आपको बताया ना ऑस अमन एंड बोरो तो अमन राइस का सोइंग टाइम क्या होता है इसी तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके सीरियल्स में हम लोग पैडी पढ़ेंगे मेज पढ़ेंगे व्हीट पढ़ेंगे मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे पल्सेस में सारे दाल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सोइंग टाइम ऑफ अमन राइस अमन राइस के सोइंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर डिसम्बर टू जनवरी होगा क्या होगा डिसम्बर टू जनवरी ओके नेक्स्ट Aman is the December January season, Boro is the March May season, Oss is the July August. Aman is the most important for rice cultivation. Okay. Just a minute, guys. नेक्स्ट ओके हाँ तो और क्या बच्चा यहाँ पे या राइट सो अमन इज द डिसंबर जनवरी सीजन बोरो बोरो इज द मार्च टू मे ऑस इज द जुलाई ऑगस्ट अमन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर राइस कल्टिवेशन एक सेकेंड यहाँ पर कुछ यहाँ पर टाइपिंग एरर है ठीक है आगे पीछे हो गया ये क्या पूछा था मैंने सोइंग टाइम ऑफ अमन राइस ओके सोइंग टाइम पूछा था ये हार्वेस्टिंग टाइम है ठीक है हाँ अभी है? नहीं नहीं एक से दो या या तो मैं यहाँ पे हार्वेस्टिंग टाइम लिखा था तो यहाँ पे गलत ये टाइप हुआ है सोइंग टाइम हुआ है ठीक है या फिर यहाँ पे यहां मैंने गलत लिया है अगर ऑप्शन अग, अगर क्वेश्चन सही है मैं आपको दोनों टाइप बता देता हूं ठीक है अगर मान लो क्वेश्चन सही है सोइंग टाइम लिखा है अगर सोइंग टाइम लिखा है तो ये यह ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा ए यहां पे सही हो जाएगा जो कि होगा आपका जून टू जुलाई ठीक है अगर हार्वेस्टिंग पूछा होता तो फिर यहां पर नवंबर का टाइम सही होता ठीक है so, सो अमन का मतलब होता है स्टेबल और स्टेबल होता है हमारा जून जुलाई का जो राइस होता है ठीक है ये यह यहाँ पे गलत है मैं आपको एक बार और बता दूंगा अच्छे से नेक्स्ट श्री सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय डैश श्री सिस्टम किसने डेवलप किया था एफ आर एच डी लॉनी, एच डी पीटर एम एस स्वामीनाथन एनी बोरलॉग या एच डी रेचर्ड

नंबर 20 मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन ऑफ राइस राइस के इरिगेशन के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सा है जॉइंटिंग ग्रैंड ग्रोथ टिलरिंग रूटिंग या बूटिंग सी बेसिकली व्हीट में जो सीआरआई स्टेज है उसी तरह राइस uh, में क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन कौन सा है राइस में अगर क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की बात करूं तो बूटिंग या फिर जिसको हम कहते हैं पैनिकल इनिशिएशन स्टेज ओके transplanting. ट्रांसप्लांटिंग के दो से बीस दिन बाद जनरली देखने को मिलता है बूटिंग को हम फ्लैग leaf emergence भी कहते हैं या फिर ब्लू boot leaf emergence भी कहते हैं so guys, इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका आज का क्लास ओके okay? तो अगर आप लोग एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करना चाहते हैं तो फिर आप लोग एग्रीकल्चर महापैक सर्च करके एनरोल कर सकते हैं वहां पे या फिर आप अगर एफसीआई के बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप एफ के बैच में भी एनरोल कर सकते हैं एफसीआई के बैच में एनरोल करने के लिए एफ सर्च कर लेना है आपको एफ सी का बैच दिख जाएगा ये आपका सिर्फ फेज टू का जो टेक्निकल है ना वो पोर्शन है अगर आपको कंप्लीट बैच में एनरोल करना है तो वो भी अवेलेबल है ये आपका कंप्लीट फेज फेज या 2 का बैच है इसमें एनरोल करने के लिए बाय नाव पे जाना है और यहाँ पर आपको कोड यूज करना है वाई टू नाइन वन वाई टू नाइन वन जैसे ही आप अप्लाई करोगे हियर इट इज दैट इज थ्री टू वन नाइन एप्लीकेशन में दिस विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड थ्री थाउजेंड रुपीज ठीक है तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ओके ये एफ सी का जो आ, बैच है ये आपके महापैक में भी अवेलेबल है तो अगर आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे इस महापैक में भी एनरोल कर सकते हो एग्रीकल्चर के सारे एग्जाम्स जितने भी हम यहाँ पे बैचेस लाएंगे टेस्ट सीरीज लाएंगे ई बुक्स लाएंगे सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोड है यहाँ पे आपका वाई टू नाइन वन अप्लाय ठीक है सेवन थ्री फाइव नाइन दिखा रहा है एप्लीकेशन पे सेवन जीरो थ्री जीरो में आपको ये मिल जाएगा। साथ साथ ही अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप नाबार्ड के बैच में भी एनरोल कर सकते हैं सिंपली नाबार्ड सर्च करना है आपको जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे पहले आपको दिख जाएगा ये रहा आपका नाबार्ड का जनरलिस्ट बैच मैथ इंग्लिश रीजनिंग डिसीजन मेकिंग जीए एस एआरडी सब कुछ मिलेगा ओके कूपन कोड की बात करूं तो यहाँ पे वाई टू नाइन वन है सेम है अप्लाई करोगे थ्री फोर नाइन फाइव है थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी के आसपास आपको ये बैच मिल जाएगा आप बोलोगे सर मैथ इंग्लिश रीजनिंग तो तैयार है मुझे नहीं चाहिए मुझे सिर्फ इंग्लिश ए आर डी ई एस आई और जीए चाहिए जो कि मेरिट सेक्शन है तो आपके लिए ये मेरिट सेक्शन का बैच भी है आप इसमें एनरोल करने के लिए बाय नाउ पे जा सकते हो और कूपन कोड यूज कर सकते हो वाई टू नाइन वन अप्लाई हियर इट इज टू फोर नाइन सेवन ठीक है टू फोर नाइन सेवन में आपको पूरा नाबार्ड का मेरिट सेक्शन का बैच मिल जाता है एप्लीकेशन पे अगेन दिस विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड टू थ्री नाइन सेवन ठीक है तो अगर कोई भी डाउट होगा गाइज तो प्लीज कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा आई विल मेक श्योर कि मैं रिप्लाई करूँ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास ओके सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर ब बाय एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस टुम एट 11 एम इन द बिगेस्ट गिव अवे ऑफ एग्रीकल्चर अंडर ट्वेंटी